मेरठ में मंगलवार की सुबह खरखौदा थाना क्षेत्र में खड़कड़ी निवासी वीर सिंह अपनी पत्नी कैलाशी और उसकी बहन बिमला के साथ हापुड़ से गांव लौट रहा था कि तभी सफेद रंग की बाइक पर आए दो बदमाशों ने पिस्तौल दिखाते हुए उनकी बाइक को रोक लिया और लूटपाट शुरू कर दी। इसी दौरान उनके विरोध करने पर बदमाशों ने पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने वीर सिंह और कैलाशी के शव को सड़क पर रखकर हापुड़ रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आते जाते वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया। उधर घंटों तक चले हंगामे के बीच मौके पर पहुंचे एसपी देहात राजेश कुमार ने ग्रामीणों को घटना के शीघ्र खुलासे का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया, जिसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस लूटपाट से अलग एंगल पर भी जांच में जुटी हुई है।